हल्का सा फिसलते फिसलते बची, वो बच गई। बस हवा आ रही है तेज से, तो ये बहुत ही क्यूट है, फूल है यार। मैं जाऊँ, नारियल के पेड़ से नारियल गिरा हुआ है, थोड़ा डर लग रहा है पेड़ों के बीच में जाने में, बट ये इसका पूल का व्यू है तो आप देख सकते हैं, ये पूरा पूल व्यू है। ये इसके साइड में ऐसे इन्होंने बना रखा है, ये ऐसे हॉर्स है, तो क्यूट है ना यार ये भी। बारिश ही आ गई है तो अब जाते हैं। सो आई होप मैंने आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो दिखाई दी हैं। मैं इसमें झूले भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये उनके लिए और वो आपके लिए है, मतलब दोनों कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है यार, छोटे से बच्चे के लिए भी है। ज़्यादा तेज नहीं क्योंकि बारिश भी आ रही है और मुझे डर भी लगता है थोड़ा, ठीक है लगता है। अब हमने ये पूरा क्रॉस कर लिया है। यह एक कूल चीज़ और है मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये इसका रिसेप्शन है, ये। कौन है? कुछ भी नहीं, डर गई मैं। ये कितना कूल है ना यार, आप चेस खेल सकते हैं यहाँ पे, और ये इसका एंट्रेंस गेट है, और वो वाला इसका बड़ा एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हम एंटर होते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो आपको रिसेप्शन मिलेगा, फिर आपको आगे आपके सेपरेट रूम्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। मॉर्निंग मॉर्निंग काफ़ी अच्छी जा रही है, और यार ये व्यू चेक करो, ये व्यू यार मज़ा आ जाता है बिल्कुल, इतना प्यारा व्यू है ना। पता नहीं कैमरे पे आपको इतने अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, पर ये रियल में देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और स्पेशली ये जो अभी काले बादल हो रखे हैं और ये जो तालाब और ये पेड़, मतलब अलग ही वाली फील है यार, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अगर आप छुट्टी पे आए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ आप छुट्टी पे आए हैं। हाँ, बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो गया क्योंकि दिल्ली में बहुत ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से बहुत जल्दी ऑयली से हो जाते हैं, पर यहाँ काफ़ी अच्छे रह रहे हैं। आज मेरा फर्स्ट डे है तो इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, पर स्टिल मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दी, और मैंने रिजॉर्ट तो आपको आज पूरा दिखा दिया है, और जो मेरा रूम है वो ये वाला है। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा क्योंकि इसके जो जस्ट बगल में तालाब है जो मुझे चाहिए था, और यहाँ पे भी तालाब है, और ये बीच में है, और इसके जो जितने भी विंडोज़ हैं अगर आप उन्हें ओपन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू आता है, अगर बारिश तेज़ आ रही होती है तो भी, सो काफ़ी ही अच्छा है, और हवा भी बहुत प्यारी। छुट्टी का आनंद ले लो, ऐसी वाली फील है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा है।
और हम बिल्कुल सही टाइम पे अपने रूम पे आ गए हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है और कितना प्यारा लग रहा है जी। टाइम हो रहा है 6:30 और यहाँ हो रही है इतनी प्यारी बारिश। तो ये तो जन्नत है अनडाउटेडली। थोड़ा हम भी भीग गए हैं, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी जब हम घूम रहे थे। और बिल्कुल एग्जैक्ट जब मैं अपने रूम पे आई तो बिल्कुल बारिश तेज़ हो गई, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। बट अमेजिंग है यार, ये अलग ही जगह है। मतलब अब गोवा आए हो तो वहाँ ज़रूर विजिट करना, बिल्कुल। और यहाँ हमारा आई थिंक एक ही दिन का स्टे है क्योंकि यहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं है आगे। और मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो होने चाहिए था यार एक दिन और होना चाहिए था। मतलब इस जगह घूमने के लिए और इस चीज़ को देखने के लिए ना, इतनी दूर से आया ये भी तो एक होता है ना, ये लोकेशन सब कुछ यार। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना यार।